तो दोस्तों स्वागत है आपका पिन वैली की तरफ, वेलकम टू पिन वैली। और जस्ट देखिए कि ये रोड है और वो रोड है। इस रोड पे बर्फ है, वो रोड क्लियर है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं आती है। आफ्टरनून के बाद जब हार्श सनलाइट रहती है तो वहाँ पे सनलाइट जाती है, यहाँ पे छाव आ जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए ये रोड अभी तक यहाँ की बर्फ़ पिघली नहीं है और बीच बीच में भी काफ़ी ब्लैक आइस है, तो हमें संभल के चलना पड़ेगा, काफ़ी संभल संभल के। और ये जो पानी है ना, ये भी जमा हुआ है। रोड भी इतना अच्छे कंडीशन में नहीं है और वो रोड है जिस रोड से हमें जाना है, तो हमें वापस ऐसे आकर उस रोड से जाना है जो पीछे वाला ब्रिज हमने क्रॉस किया, उसी ब्रिज से। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है आने के लिए। तो अभी तो ये ग्रेजुअल रोड है तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ब्लैक आइस भी होगा तो भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम है कि स्पीड नहीं ले सकते। रोड पे काफ़ी मिट्टी गिरी हुई है, तो अगर स्पीड ले लिया और ब्रेक दबाना पड़ा किसी खड्डे के लिए या किसी भी टर्निंग के लिए, तो हम लोग स्कीट होके गिर जाएंगे। और ये जो सामने दिख रहा है ये है लिंगटी विलेज, ऊपर भी है, ऊपर जाने के रास्ता है और ऊपर जाके भी विलेज है। तो ये देखिए नदी का पानी बिल्कुल ब्लू कलर का है और पूरा साफ है, मतलब थोड़ा भी कुछ नहीं है। आपको दिखाता हूँ, आपको दिख जाएगा, नीचे के पत्थर भी दिख रहे हैं नदी के, इतना साफ पानी है। क्योंकि अभी कोई भी ग्लेशियर पिघल नहीं रहे, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो जो पहाड़ है उसकी मिट्टी लेके आते हैं, तो वो मिट्टी जब पानी में मिक्स होती है तो पानी यहाँ का, ये जो स्पीति का पानी है वो ब्लैक ब्लैक जैसे लगता है। आपने अगर पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा स्पीति का पानी कैसा था, नहीं देखा तो जाके देखिए स्पीति बाइक राइड 2022 जो हमने सितंबर में की थी। और भी जो हमने हाथ गर्म किए थे वापस ठंडे होने शुरू हो गए। और पिछले तीन बार मैंने ये रोड सिर्फ देखा है उस रोड से आते समय, ये पहली बार है कि मैं इस रोड पे जा रहा हूँ। वैसे मुझे मुद ही जाना था लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो वापस आने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी मुद से, इसके लिए मैंने प्लान चेंज कर दिया हम लोगों ने। और हम लोग अभी जहाँ तक अच्छा सा रोड है वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद सीधा यू टर्न मार के रिटर्न आ जाएंगे, ऐसा प्लान बनाया है। क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही है और मौसम आपको सामने दिख रहा होगा, सामने के पहाड़ों पे मौसम ख़राब हो चला है दोस्तों, मौसम काफ़ी ख़राब हो चला है, तो शायद ताबों में भी मौसम ख़राब ही रहेगा क्योंकि सामने वाले पहाड़ों के बीच में एक इधर तो ताबो है, तो वहाँ पे भी मौसम थोड़ा ख़राब ही बना रहेगा। तो ये जो पिन वैली है, बुद्ध है, यहाँ से पिन बाबा ट्रेक होता है जो कि भाभा नगर के आसपास किधर तो उसका एंड है, इसके लिए उसको पिन भाभा ट्रेक बोलते हैं। दूसरा एक ट्रेक यहाँ से होता है, होता है पिन पर्वती, जो पिन वैली फिर पर्वती वैली करके आगे कहीं तो ख़त्म होता है। अभी वो कहाँ ख़त्म होता है पता नहीं, मैं आपको सर्च करके कहीं पे तो यहाँ पे पता देता हूँ कि वो कहाँ ख़त्म होता है। पिन वैली नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे ब्लू शिप है,
टिबेटन वुल्फ। एक्चुअली ये सब आसानी से नहीं दिखते हैं, टिबेटन वुल्फ हो या स्नो लिपर्ड हो। ब्लू शिप तो थोड़ी बहुत दिख जाती है, जैसे कि हमें कल दिख गई थी, शायद आज भी दिख जाए, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन हम उतना अंदर चले गए तो अभी पता नहीं हम उतना अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी तक डिसाइड नहीं है। तो ये यहाँ पे जियो का टावर है, तो जियो यहाँ की लाइफलाइन बन गया है। मतलब यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको घर भी नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ आजू बाजू में कुछ गांव है छोटे छोटे, उनके लिए ये एक टावर लगाया गया है। और ये अभी हम जिस नदी के बाजू से जा रहे हैं ये है पिन रिवर, और पिन रिवर में भी काफ़ी पानी है और हवाएं काफ़ी ठंडी और तेज़ होगी दोस्तों। एक बात अच्छी है कि रोड अभी थोड़ा सा अच्छा हो गया है, मतलब रोड ख़राब है लेकिन एकदम भी ख़राब नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और दोनों तरफ के पहाड़, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ के पहाड़, क्योंकि अब तक हम जहाँ से आ रहे थे एक तरफ के पहाड़ों में बर्फ़ थी, एक तरफ के पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं थी, लेकिन अभी देखिए दोनों तरफ बर्फ़ है। और ये ठंडी ठंडी पीने वाली है, यहाँ पे टेम्परेचर कम से कम -15 वगैरह ही रहेगा, और आज तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं तो सूरज निकलाने पे टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाता है, लेकिन आज टेम्परेचर इतना तुरंत बढ़ेगा नहीं क्योंकि सूरज ही नहीं है आज। दोस्तों अभी ऐसे लगने लगा है कि हमें काजा में एक और दिन स्टे करके रूम में रुकना चाहिए था, ऐसे ख़राब मौसम में निकलना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा करते तो हम आपके लिए ये अच्छा सा कंटेंट कैसे बना पाते। और अभी हम लोग जब निकल रहे थे तो हमारे जो होम स्टे के जो ओनर थे उन्होंने बताया कि और 2-3 दिन मौसम ख़राब ही बना रहने के बोला है, और आज भी मौसम ख़राब बना रहेगा, और अगर ये मौसम ख़राब है तो आगे पिनवैली में स्नोफॉल होता है, तो हम स्नोफॉल में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि अगर इस रोड पे स्नोफॉल हो गया तो आप ये रोड की कंडीशन देख सकते हैं, फिर यहाँ से बाइक निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अगर हमें स्नोफॉल भी दिख गया मिल गया तो भी हम सीधा रिटर्न हो जाएंगे, हम उससे आगे नहीं जाएंगे। हाँ लेकिन स्नोफॉल का तो थोड़ा मज़ा लेंगे ही दोस्तों, स्नो कितनी भी ठंड लग जाए स्नोफॉल का तो मज़ा लेना ही है। स्नोफॉल का तो वीडियो बनाएंगे अगर स्नोफॉल मिल गया तो। लेकिन एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि जब स्नोफॉल होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब अगर अभी -15 टेम्परेचर है तो अगर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा तो वो -10 या -9 तक चला जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अभी हवाएं भी तेज़ हो गई और मतलब एक्सट्रीम ठंडी हवाएं चल रही है, और सामने आप देख रहे होंगे पहाड़ों के ऊपर जो धुंध जैसी छाई हुई है वो क्या होता है कि सुबह सुबह थोड़ी सी या तो बर्फ़ उड़ती है, फ्रेश जो बर्फ़ गिरती है वो उड़ती है, या फिर बर्फ़ गिरने के आसार होते हैं। तो कल एक्चुअली अब तक थोड़ा सूरज आ गया था, हम लोग लांगजा पहुंच गए थे तो सूरज में की वजह से तो सूरज की वजह से थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी सूरज नहीं है तो हमें काफ़ी ठंड लगने वाली है, और भी ठंड लगेगी, और भी ठंड में जाएंगे। बस आपके लिए अच्छा सा कंटेंट बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये पिन वैली बर्फ़ में कैसी दिखती है। तो बस आप इस वीडियो पे बने रहिए, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाप रे इतना बड़ा ये हो गया बर्फ़ का, मतलब कितनी बर्फ़ गिरती होगी यहाँ पे।
और ये देखिए कोई तो ग्लेशियर नीचे आ गया है पिघल के। ये दोस्तों ये ग्लेशियर कोई तो नीचे आ गया है पिघल के, देखिए कितना बड़ा है, बाप रे। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जब बर्फ़ जमती होगी तो ये कितना ग्लेशियर कितना बड़ा लगता होगा, ग्लेशियर जैसे बन जाता होगा यहाँ पे ये और शायद अभी भी ये बर्फ ही है, ब्लैक आइस ही है। ये जो इतना बड़ा प्लेन एरिया दिख रहा है वो शायद अभी भी ब्लैक आइस ही है, जो पत्थरों पत्थरों में फंस के जमी। और वो देखिए वो क्या है, वो ब्लू शिप है कि कौन है, ब्लू शिप ही है। और दोस्तों हमें वापस दिख गई है ब्लू शिप, ये छोटी सी है, ऊपर भी काफ़ी है। और ऊपर वाली हमें कैसे देख रही है, देखो ये देखिए ऊपर जो ब्लू शिप है हमें कैसे देख रही है, वो एक्चुअली इंतज़ार कर रही है कि हम चले जाएं। सब हमें देख रही है, एक दो तीन चार यहाँ पे नीचे चली गई, तो ये देख रही है कि कब हम चले जाएं। वो स्टैंड स्टिल है, थोड़ी भी हिल नहीं रही है, देखिए थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं उनके, वो देख रही है कि जब हम चले जाएं तो उतर के रास्ता क्रॉस कर ले। तो चलिए हम उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं और हम आगे निकल चलते हैं। तो यहाँ पे हल्की सी लैंडस्लाइड भी हुई है, और वो देखिए दोस्तों सामने वाला पहाड़ सिर्फ बर्फ से नहीं धुंध से भी ढका है, ओ माय गॉड। और ये जो छोटा सा रास्ता ऊपर जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा होगा, और उस पर गाड़ी भी कौन लेके जाएगा। तो दोस्तों अभी वापस हाथ जम गए हैं, तो कहीं पे रुकते हैं आगे जाके जहाँ पे थोड़ी सी हवा कम रहेगी और थोड़ी हाथ गर्म कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। आगे ऊपर रास्ता है, एक्चुअल रास्ता है, देखिए पहाड़ को काट के रास्ता बना है, शायद ऊपर किसी गांव के लिए होगा। यहाँ पे ऐसी है छोटे छोटे गांव के लिए अभी पहाड़ों को काट के रास्ता बना देते हैं। और वहाँ पे ब्रिज भी है, वो क्या है वो चीज़। हाँ लेकिन वहाँ तक का रास्ता भी बंद हो गया, शायद वो पुराना टाइम के लिए रहेगा या फिर जब ये रोड बंद होता होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये एक वाटरफॉल है, ये जमा हुआ वाटरफॉल है, आधा फ्रोज है आधा ओपन है, तो उसके लिए होगा। और वो देखिए ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है ऊपर के लिए, वो रास्ते से, हाँ ऊपर किसी गांव के लिए जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जब ये रास्ता भर ओपन नहीं होता होगा तो उस रास्ते का पहले इस्तेमाल करते होंगे। और देखिए अब ये पिन नदी भी कितनी बड़ी हो गई है, और इसमें ये जो बाजू में जमा है ना दोस्तों ये ब्लैक आइस है, ये पूरा ब्लैक आइस है। और रास्ता भी कैसे डेंजरस सा हो रहा है, चल ना बगू ना कुटपन जाता था आले तथे उड़े तो कशला। और ये बर्फ़ का साइज़ देखिए दोस्तों, कम से कम दो ढाई फुट है, वो भी पिघलने के बाद। तो जब यहाँ पे बर्फबारी होती होगी तो कितने फिट की बर्फ़ जमती होगी सोचिए। और ये है ना ये पूरा जो प्लेन एरिया है ना ये पूरा ब्लैक आइस है दोस्तों, ये पूरा ब्लैक आइस है। तो ऊपर से भी एक रोड जा रहा है, तो मेरे ख्याल से वो पुराना रोड होगा
या किसी गांव में जाने के लिए होगा, पता नहीं। और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो रोड कहाँ पे जाता है। और नीचे काफ़ी ज़्यादा बर्फ जमी हुई है। ओहो, और सामने देखिए दोस्तों, सामने का पहाड़ तो पूरा वाइट है। मतलब हमने अभी तक थोड़े थोड़े वाइट पहाड़ देखे, लेकिन सामने वाला पहाड़ देखिए, सामने वाला पहाड़ पूरा 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 वाइट है। हाँ, और वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन धुंध सी छाई हुई है। शायद स्नोफॉल भी हो सकती है, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है यहाँ के मौसम का कि ऐसी धुंध छाने पर स्नोफॉल होती है या वो फॉग जैसा है। तो देखिए, ये रास्ता यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, स्नोफॉल, और दोस्तों स्नोफॉल शुरू हो गया है। दोस्तों स्नोफॉल शुरू हो गया है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं और ब्रिज तक चलते हैं, और उसके बाद रिटर्न चलते हैं, क्योंकि हम स्नोफॉल में फंसना नहीं चाहते। क्योंकि अगर यहाँ पे स्नोफॉल हो गया तो हालत ख़राब हो जाएगी रोड की वजह से। हल्का सा स्नोफॉल हो रहा है, अभी कैमरे में नहीं आएगा, लेकिन हल्का सा स्नोफॉल हो रहा है। तो दोस्तों हाथ तो गर्म हो गए, लेकिन पैर काफ़ी ठंडे पड़ गए, क्योंकि हमारे शूज़ इतने टेम्परेचर के लिए नहीं बने, तो पैरों की उंगलियाँ भी सुन्न सी हो गई। और आगे शायद स्नोफॉल शुरू हो गया है, तो यहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा स्नोफॉल आ रहा है। तो आगे चलते, स्नोफॉल का तो मज़ा लेना ही है दोस्तों। ठंड तो लगेगी लगेगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या लगेगी। तो स्नोफॉल में चलते हैं। तो हमें मिकम ब्रिज, मतलब एक ब्रिज तो दिख रहा है अभी, वो मिकम ब्रिज है कि नहीं पता नहीं, हम वहाँ जाके देखते हैं। तो हम लोग का, ओह माय गॉड, ये देखिए, ये भी पूरा ग्लेशियर है दोस्तों, कितना बड़ा ग्लेशियर आ गया है। हो, और रोड भी थोड़ा डेंजरस सा ही हो रहा है। और नीचे देखिए, नदी ऑलमोस्ट जम गई है। तो यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे पेड़ है जो पूरे तरीके से सूख गए हैं या आइस हो गए पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी माइनस टेम्परेचर है। और यहाँ पे कुछ तो फल दिख रहे हैं यहाँ को, पता नहीं कुछ तो होगा। तो इतनी गाड़ियाँ जाने के बाद भी ये जो पानी बर्फ हुआ है पानी का, वो पिघल नहीं रहा है। तो दोस्तों हम अभी ये किसी ब्रिज के यहाँ पे ऊपर पहुँच गए हैं।